और मैं सोच रही थी कि बच्चों को ना ये वाला कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए, कितने क्यूट लगेंगे ना। और देखो ये कुछ डिजाइन, ये मैंने अंतरा भाभी के लिए चूज किया है। आई जस्ट होप कि भाई साहब उन्हें ये पहनने दे। क्यों, उनके लिए क्यों, वो लोग तो कल जा रहे हैं। क्यों, वो रुकने नहीं वाले? हाँ, अभिषेक यहाँ जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हो चुका है, और रायपुर के अंदर उसकी दुकान वो ज्यादा दिनों तक नौकरों के भरोसे थोड़ी ना छोड़ सकता है। हाँ। अच्छा छोड़ो, मैं क्या बोल रही थी, ये देखो ना, हम सबको ना ऐसे कलर कोऑर्डिनेटेड जाना चाहिए, बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा। कम ऑन माया, अगर हम लोग कलर कोऑर्डिनेटेड जाएंगे ना तो बैंड वाले लगेंगे। हाँ, करेक्ट बोल रहे हो, कलर कोऑर्डिनेशन नहीं करते। अच्छा मैं क्या सोच रही थी ना अविनाश, उस दिन ना तुम अपने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स मत रखना, ओके? खुद हर हाइनेस मिसेस मधुरिमा ने इनवाइट किया है और सबके हस्बैंड्स आने वाले हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहो थ्रू आउट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके। ओह, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं करना ही भूल गई, तुमने अपना स्पीच रिहर्स कर लिया है ना? डोंट वरी माया, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ तुम तो मैनेज कर लोगे, बट मैं अपनी सोच रही हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है ना, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, सब होने वाले वहाँ पर मीडिया एंड दिस एंड दैट, पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूंगी। डोंट वरी अबाउट योर स्पीच, इट विल बी द बेस्ट। ओ ना जी ना, कैसे टेंशन ना लूं, मैं बहुत नर्वस हूं। अरे मेरी सारी क्लाइंट्स होंगी वहां पर, मेरी सारी फ्रेंड्स होंगी, उनके हस्बैंड्स होंगे। आई वांट टू डिलीवर द परफेक्ट स्पीच जिसमें ना प्रियंका चोपड़ा की एलिगेंस हो और नीता अंबानी का पावरफुल टोन हो। यस, इसीलिए मुझे रिहर्स करना बहुत जरूरी है। अविनाश प्लीज तुम एक बार मेरी स्पीच सुन लो ना। हेलो। हाँ मेहता जी, एक बहुत जरूरी कंसर्नमेंट की बात। हाँ जी, हाँ 9 बजे, हाँ डेफिनेट। घर पे यू बोलना। नहीं, मैं सिर्फ एक हेल्प चाह रही थी। हाँ हाँ बोल। क्या ना, मैंने अवार्ड सेरेमनी के लिए एक थैंक्स स्पीच लिखा है, मैं चाहती थी कि तू मेरी थोड़ी हेल्प कर दे यार, अपनी थोड़ी स्पीच गिविंग टिप्स दे दे मुझे। आखिर लगना तो चाहिए कि मैं आकांक्षा बैनर्जी झा की दोस्त हूँ। क्यों? आई गॉट इट मैम, जब तक तुझे तेरी स्पीच परफेक्ट नहीं लगेगी तुझे भी शांति नहीं मिलेगी। हाँ यार ठीक है, एक काम कर, कल मेरी ऑफिस आ जा, वही बैठ के डिस्कस कर लेंगे। परफेक्ट, मैं यही करती हूँ, पार्लर जाने से पहले सवेरे तेरे ऑफिस आ जाती हूँ, वहीं से पार्लर चली जाऊंगी। ओके ओके, चल कल मिलते फिर। गुड नाइट। बाय बाय। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था, पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया, सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया, आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से। Thank you.
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं। देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।